जय दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों, दो मोबाइल हमारे पास में रिसेंटली लॉन्च हुआ वीवो T2X 5G डिवाइस जो कि Dimensity 6020 प्रोसेसर के साथ में आता है, और सेकंड हमारे पास डिवाइस है Realme 9i 5G डिवाइस जो कि Dimensity 810 प्रोसेसर के साथ में आता है। दोनों ही 5G डिवाइस है, एक Realme की एक Vivo की, और यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन तो बनता ही है। यहाँ पे दोस्तों हम फुल स्पीड टेस्ट हम करने वाले हैं। पीछे की तरफ आपको Vivo T2X में 50+2 मेगापिक्सल में कैमरा मिलता है एंड Realme 9i 5G डिवाइस में 50+2+2 मेगापिक्सल मिलता है। फ्रंट में दोनों में ही 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। बैटरी दोनों में ही 5000 mAh की है और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। फटाफट से देखते हैं यहाँ पे दोनों ही मोबाइल में कौन सा ज़्यादा फास्ट है। दोस्तों, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बूटिंग टेस्ट करने वाले हैं जो कि एज इट इज़ हम ऑल टेस्ट में करते हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट बूट होता है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया था कि फटाफट से हमें रिजल्ट मिले। Realme और Vivo दोनों का ही लोगो अपने अपने मोबाइल में यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो Vivo का जो मोबाइल है T2X 5G ये पहले बूट हो चुका है। तो इस बूटिंग टेस्ट में Vivo T2X 5G डिवाइस विनर बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर ऐप डाउनलोडिंग टेस्ट करने वाले हैं। दोनों ही सेम वाईफाई Realme X7 से जुड़े हुए हैं। देखते हैं एक गेम डाउनलोड करके 12 MB का कि कौन सा मोबाइल सबसे पहले हमें प्ले बटन दे देता है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो Vivo T2X 5G डिवाइस ने से पहले प्ले बटन दिया है, इस टेस्ट में ये विनर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड टेस्ट है। ओकला ऐप से हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हमने किया है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड है इसमें अगेन से Vivo T2X 5G विनर हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग टेस्ट हम करने वाले हैं जिसमें मल्टीटास्किंग या गेमिंग के समय CPU को कितना टोटल कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। यहाँ पे 5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं और ये हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप जूम करके देखेंगे स्कोर तो यहाँ पे आप देख सकते हो 88% और 94%। यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो Vivo T2X में आपको ग्राफ ऊपर की तरफ दिखेगा और नीचे की तरफ Realme 9i 5G में। तो इस टेस्ट में दोस्तों Vivo T2X क्लियरली विनर बन जाता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर ऐप एपनिंग टेस्ट होने वाला है जिसमें हमने कुछ हेवी गेम ऑफलाइन ऑनलाइन गेम और डेली यूजर्स की ऐप को क्लिक किया है। देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कौन सा मोबाइल ऐप ओपन करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे BGMI PUBG को ओपन करके देख लेते हैं। तो क्रॉम्पटन का लोगो यहाँ पे आ चुका है और दोनों ही मोबाइल यहाँ पे लगे हुए हैं ओपन करने के लिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे Realme 9i 5G ने ओपन किया है। और इसके बाद दोस्तों एनजी टू बेंचमार्क स्कोर ऐप को ओपन करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे T2X ने इसे ओपन किया, बट एनजी टू बेंचमार्क स्कोर आप देख सकते हो Realme 9i 5G का आपको बेटर देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों टेम्पल रन गेम को ओपन करके देख लेते हैं जो कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से खेल सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो दोनों ही मोबाइल लगे हुए हैं, प्ले का बटन आपको सबसे पहले T2X 5G में मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हम कैंडी क्रश गेम को ओपन करके देख लेते हैं। देखते हैं कि कौन सा मोबाइल किंग भाई यहाँ पे पहले ओपन कर लेता है। तो भैया यहाँ पे आपको Realme 9i 5G डिवाइस ने इससे पहले ओपन किया। कृष्णा गेम को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्ले बटन यहाँ कौन सा मोबाइल देता है। तो यहाँ पे अगेन से T2X ने अपना खाता खोल लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे लूडो किंग ऐप को ओपन करके देखते हैं। देखते हैं कि कौन सा मोबाइल सबसे पहले से ओपन करता है। Realme 9i 5G डिवाइस यहाँ पे फिर से जाग गया है। और यहाँ पे YouTube ऐप को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Realme 9i 5G डिवाइस ने इसे पहले ओपन करा है। एंड यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके देख लेते हैं जिसे हम डेली यूज में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगेन से यहाँ पे Realme 9i 5G डिवाइस ने इसे पहले ओपन किया है। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप फ्लिपकार्ट को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो T2X ने इसे पहले ओपन किया है। एक और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप Amazon को ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा डिवाइस सबसे पहले इसे ओपन कर पाता है। तो T2X ने इसे पहले ओपन किया है। ये दोस्तों ऐप ओपनिंग टेस्ट। अब फटाफट से बैकग्राउंड में जो ऐप रनिंग हो रही है इसका रैम मैनेजमेंट टेस्ट भी कर लेते हैं। We'll be right back.
तो ये था दोस्तों दोनों ही मोबाइल के बीच में फुल कंपैरिजन प्लस फुल स्पीड टेस्ट। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे दोनों ही मोबाइल जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्पीड में, यहाँ पे 19-20 का ही फ़र्क है, बट जो डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर है रियलमी 9 5G का, ये हल्का सा लाइटर यहाँ पे फास्ट है वीवो के T2X 5G डिवाइस से। एंड यहाँ पे जो रियलमी का प्रोसेसर है वो 6 nm है और यहाँ पे 7 nm प्रोसेसर 6020 है, और 6020 को जो हाइप वीवो ने बनाया है एक्चुअल में दोस्तों ये डायमेंसिटी 700 का थोड़ा सा क्लॉक स्पीड बढ़ा के बनाया गया प्रोसेसर है। तो यहाँ पे दोस्तों जो डिवाइस है दोनों ही अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा यहाँ पे 500 to 1000 आपको रियलमी 9i 5G डिवाइस कॉस्टली मिलेगा, बट बेटर यहाँ पे डिवाइस रियलमी 9i 5G डिवाइस है अगर ओवरऑल देखें कैमरा सेगमेंट या फिर डिस्प्ले, क्योंकि इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है और 60Hz नॉर्मल रिफ्रेश रेट आपको वीवो T2X में मिलता है। इसकी जो चार्जिंग है, हमने इसका चार्जिंग टेस्ट भी किया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम ले लेता है ये मोबाइल। ओवरऑल दोस्तों आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा मोबाइल बेस्ट है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताइएगा, और दोनों ही डिवाइस के रिगार्डिंग डीप रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है, चेकआउट जरूर से करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में, तब तक जैन बोलते रहिए, वंदे मातरम।